हेलो, मैं हूँ इके और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन फैक्ट्स की। टॉप 5 पोकेमोन फैक्ट्स जो आपको पोकेमोन एमबी तक के पास नहीं मिलेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फाइव, जैसे कि तुम्हें पता होगा, तुम पोकेमोन गेम्स में फिशिंग रॉड की मदद से फिशिंग कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने पोकेमोन के ऊपर बैठ के भी फिशिंग कर सकते हो। जैसे अभी देखो, मैं अपने एग्रोन के ऊपर बैठ के फिशिंग कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर फोर। नंबर फोर, क्या तुम्हें पता है कि पोकेमोन रेड फायर और पोकेमोन एमराल्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे रोमैक्स हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा हैक्ड किया गया है पूरे वर्ल्ड में। नंबर थ्री, क्या तुम्हें पता है कि पोकेमोन एग को हैच करने के लिए तुम्हें कितने ज़्यादा स्टेप्स चलना पड़ेगा? लिटरली पूरा पक्का है था। एक नॉर्मल पोकेमोन एग को हैच करने के लिए तुम्हें कुछ 257 स्टेप्स चलना पड़ेगा, और अगर लकी हो तो तुम्हारे पास एक गुड लक होगा जो कि 20 to 30 स्टेप्स में ब्रेक हो जाएगा। और जहाँ तक बात है बैड एग्स की, तो भाई वो कभी हैच नहीं होते, वो हमेशा हैच होते हैं तो बैड एग्स में होते हैं जो कि तुम्हारे सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, तो तुम्हें इन्हें रिलीज़ कर देना चाहिए वरना पोपट ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी, तो उन्हें डिलीट कर दिया करो। नंबर टू, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक पोकेमोन को विदाउट रिवाइव के भी रिवाइव कर सकते हो? जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा पैरासाइट फेंट हो गया और मैंने अभी इसे हराया। मैं अपना बैग खोलूँगा और एक रेयर कैंडी की मदद से उसको रिवाइव कर दूँगा। नंबर वन, क्या तुम्हें पता है कि अब तक जितने भी पोकेमोन प्रोटैगनिस्ट आए हैं, नो मैटर वो मेल हो या फीमेल एनिमे से हो लाइक अपना ऐश, उन सब के सर पे हैट होती है। यकीन नहीं होता, ये देखो रेड एंड गोल्ड जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6 एंड जनरेशन 7 एंड एट द एंड 8। एंड ऐश तो हमेशा रीजन वे टोपी पहनता ही रहता है। नहीं, तो तुम्हें हैक्स कैसे लगे, फैक्ट्स कैसे लगे? ऐसे फैक्ट देखे थे कहीं पे? पोकेमोन एमवी के सब्सक्राइबर्स पे लेंगे यहाँ पे मुझे आके कॉपी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर। आई एम सेंडिंग आउट।